हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्राउंडिंग। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाई ग्राउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक आसान सा दिखने वाला एक्टिविटी, नंगे पैर घास में चलना है, इसको आप अर्थिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं। व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसके साइंस के पीछे आपको मतलब यू नो आई वॉन्ट टू शो द साइंस बिहाइंड दिस, इसके पीछे साइंस क्या है, कि वाई मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि तीली घर से बाहर निकले और घास पे चले। नो, ये बोलना बहुत ही आसान है, लाइक फॉर एनी वन, लाइक सुबह 6 बजे उठना, नंगे पैर घास में चलना, यू नो बोलना इज़ वेरी आसान है। बिकॉज जब 6 बजता है वो आप लेजी हो जाते हैं कि वो थोड़ा यू नो जस्ट स्क्रॉल योर सोशल मीडिया अकाउंट, जस्ट ट्राई सम टिकटॉक्स, वॉच यूट्यूब वीडियोज, इट्स टू इट उसको करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट आई एम बट मैं ये आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि प्लीज़ गो ऑन बेयर फुट, ग्राउंडिंग करिए, आप अर्थिंग करिए, नंगे पर घास में चलिए। क्यों? सो यू नो लाइक मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए जो यू नो लाइक मैंने अपने जर्नी के दौरान अनुभव किया है। यू नो लाइक बहुत तो मैंने फॉलो किया है, उससे मैंने सीखा कि वाई ग्राउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसका साइंटिफिक, जब तक आपको पता नहीं होगा कि वाई ग्राउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लोग करते नहीं हैं। द प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, कि दे वॉन्ट सडन साइंटिफिक एविडेंस कि भाई क्या होता है करने से, लाइक ग्राउंडिंग करने से ऐसा क्या होता है कि तिनटस को हेल्प करता है, ठीक है ना। लेट मी सी यू, हमारा जो बॉडी है, दिस ह्यूमन बींग इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, वी आर नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिज्म। लेट मी प्रूव दिस। ओके, जब आप लोगों को टच करते हैं, आपको कम ने कम एक इलेक्ट्रिक चार्ज महसूस हुआ होगा, वेरी माइन्यूट इलेक्ट्रिक चार्ज। वो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, ठीक है ना, दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो। दिस यू नो लाइक ह्यूमन बॉडी इज़ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, हमारा ह्यूमन बींग का जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब लोग डाइटिंग करते हैं, सप्लीमेंटिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ग्राउंडिंग नहीं करते हैं। आवर बॉडी इज़ इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, हमारा जो बॉडी है वो एक इलेक्ट्रिक बींग है बिफोर इट्स अ केमिकल बींग। हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होता है, बट उससे पहले, केमिकल होने से पहले आवर बॉडी इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करता है मूवमेंट में। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपके घर में चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो पॉसिबल ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी के कारण हमारा बॉडी भी काम करता है उसी प्रिंसिपल पे। अगर हमारा बॉडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, तो आप इन्वाइट कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एवरी जो आप मेजर क्रॉनिक डिजीज देख रहे हैं आज के इस वर्ल्ड में, वो सबका कारण है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट मी प्रूव दिस। हमारा जो सेल होता है उसका सी बहुत यू नो लाइक सिमिलैरिटीज़ है यार, देखेंगे आप सेल यूज़ करते हैं, एक बैटरी, उसको सेल बोलते हैं, हमारा सेल को भी सेल बोलते हैं। देखिए आप देख रहे हैं लिंक, एक बैटरी को हम लोग सेल बोलते हैं जो पावर करता है बल्ब को, ठीक है ना, हमारे रिमोट कंट्रोल को। वही सेल, उसका नाम पड़ा है हमारे बॉडी, दैट इज़ वाई सेल को चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज। उस सेल को आप चार्ज नहीं करेंगे, आप बोलते हैं दिस माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, बट आई डोंट एग्री, बिकॉज वो जो सेल है उसको फंक्शन करने के लिए यू नीड इलेक्ट्रिक चार्ज। गो बैक टू नेचर, मैं क्यों बोल रहा हूँ पापा लोगों की, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट बेटर, अगर आपको सही में ठीक होना है, तो आप वो करें जो हमारे दादा परदादा करते थे, दे आर वेरी राइट, वो बहुत सही थे। आजकल लोग नंगे पैर नहीं चलते हैं घास में, ठीक है ना, दैट इज़ वाई हमारा बॉडी जो है वो एक एज अ होल इलेक्ट्रिक बॉडी है। सो हाउ डू वी चार्ज दिस, ओके, आवर सेल। वो तो आपको समझ में आ गया कि हमारा बॉडी उसका लिंक। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या साइंटिफिक एविडेंस है, इससे ज़रा आई डोंट थिंक कोई आपको दे सकता है, ठीक है ना। आप जब छूते हैं कभी किसी एक दूसरे को, तो यू विल सी अ सर्टेन स्पार्क, आपको लगता है अरे, बोलते हैं ना मुझे हल्का सा करंट लगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है ना। सो हाँ, ये है कि ये जो अप्रूव हो गया कि आवर सेल रिक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारा सेल जो होता है, कोई भी सेल हो, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे सेल होते हैं हमारे बॉडी में, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको फंक्शन करने के लिए वी रिक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग, क्योंकि वी आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम लोग, बाहर नहीं जाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, घर में बैठना है, अपने आप को ये आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज कराना है, सो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप कहाँ से मिलेगा नेगेटिव चार्ज, और उसका मिलने का यू नो आई विल बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि आपको कैसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ग्राउंडिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है कि आप
उससे ले सकते हैं नेगेटिव चार्ज, बट यू नो ग्राउंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो आप बोलेंगे आजकल ट्रेंड चला हुआ है एल्कलाइन वाटर का, क्यों भाई, वाई नॉट एसिडिक वाटर? एल्कलाइन वाटर जो है वो एक हेल्दी स्टेट को रिफर करता है। अगर आप एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं डेट ऑल्सो गिव्स यू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज। कोई नहीं बोलता है कि गो एंड ड्रिंक एन एसिडिक वाटर। आपका बॉडी जितना एल्कलाइन रहेगा, आपका बॉडी जितना एल्कलाइन रहेगा, आप जितने एल्कलाइन स्टेट में रहेंगे आपका बॉडी के लिए वो इतना हेल्दी स्टेट है। जितना एसिडिक इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा बीमारी होगा आपको। जितने भी बीमारी, मार्क माय वर्ड, जितने भी बीमारी हो रहे हैं इस वर्ल्ड में सारे के सारे आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यू नो लाइक प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट। इवन कैंसर, कैंसर जो होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो मतलब ग्रो करता है, ठीक है ना। नाउ लेट मी टेल यू पांच वेज हैं जो आप अपने आपको इलेक्ट्रॉन्स यू नो लाइक यू कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। पहला तो है ना वन द बेस्ट तरीका कि हल्का घास गीला हो और उसके आप नंगे पैर चलो, ठीक है ना। बिकॉज यू नो लाइक अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखे होंगे कि जब हमारा घर बनता है उस घर में एक हमारा अर्थिंग वायर होता है, क्यों? बिकॉज दैट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। जितने भी ऑर्गेनिज्म को इलेक्ट्रॉन्स मिलता है अर्थ के चार्ज की वजह से, ठीक है। सो कनेक्टिंग बैक टू द अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बियर स्किन, यानी कि आप चप्पल बन के चल रहे हैं, बियर स्किन के लिए। दूसरा है राइट वाटर, यू नो यू कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ड्रिंकिंग राइट वाटर। आप टैप वाटर पीना बंद करें, फिल्टर वाटर पिए सबसे पहला बात, अच्छा फिल्टर पानी। और दूसरा अगर आपको मिल रहा है एल्कलाइन वाटर, स्प्रिंग वाटर, दैट इज़ यू नो लाइक बहुत पॉसिबल, आई नो इट्स नॉट मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो मैंने क्या किया था, आप एक शीशा का बॉटल ले, शीशा का बॉटल, इट शुड बी नो लाइक नॉट प्लास्टिक, एक बॉटल ले, लेट मी शो यू दिस, या दिस काइंड ऑफ बॉटल, दिस इज, और इसको आपको धूप में रखना है, सन चार्ज करना है। सो सन इज कीपिंग चार्जिंग दिस, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गया, सो यू कैन ड्रिंक दिस वाटर, यू नो इसको कम से कम 5-6 घंटे रखना है, ठीक ना। इसको पानी भर लें आप सुबह और धूप में रख दें और फिर वो पानी पी सकते हैं आप। थर्ड इज गेटिंग एज मच एज सन एज पॉसिबल। सन मिलने से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, और यू नो लाइक आई डोंट नो इंडिया मुझे पता नहीं है, लेकिन बट यू नो लाइक मैंने रिसर्च किया है इंफ्रारेड और सोना से भी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, ठीक है। ये आपका तीसरा मेथड हो गया, पहला हो गया अर्थिंग जो को चलना है, दूसरा गेटिंग राइट वाटर यू नो लाइक जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वाटर, यू नो ये बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, डेट इज़ वाई मतलब मुझे थोड़ा आप मैं मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बट ये दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू एक्सप्लेन, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। अब लोग बोलते हैं ना ग्राउंडिंग हो गया, तो बट यू नो इसके अंदर आपको जाना है कि ग्राउंडिंग होता क्या एक्चुअली। तो तीसरा आपका हो गया सन एंड इंफ्रारेड, अपने आपको एक्सपोज कराएं सन से, खासकर सुबह 6-8 और शाम 4-6 के बीच में, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। फोर्थ इज टचिंग योर पेट। अब ये पूछेंगे कि ये कैसा तरीका है, बिकॉज हमारे जो पेट हैं, सी नोट डाउन, दे कीप ऑन वॉकिंग बेयर फुट ऑल टाइम, उनके पास चप्पल जूता नहीं होता है। सो जब वो चलते हैं, किसी घर में पेट होगा चाहे डॉग कैट एनी एनिमल, ओके, वो जब चलता है बेयर फुट तो उसको चार्ज मिलता है, उसका बॉडी हाईली इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। सो नो डेट इज़ वाई नो वेन यू पेट अ डॉग और पेट एन एनिमल, अब जब पेट करते हैं उसको यू फील वेरी गुड। सो उसका एक साइंटिफिक कारण भी है ये, कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है इन द सेम वे जब एक ह्यूमन बींग एक ह्यूमन को टच करता है, ठीक है। और पांचवा है मूवमेंट, आई सेंस यू नो लाइक मूवमेंट लाइक एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी। सी आवर बॉडी इज मेड 70% हमारा बॉडी बना हुआ है वाटर से। सो जब हमारा आप मूवमेंट करते हैं तो वो चार्ज जनरेट करता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन इन इज स्टेबल मोड में रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी मूवमेंट में आता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन द इसका सेकेंड कारण ये भी है कि हमारा ब्रेन का 80% ग्रे मैटर इज मॉडिफाइबल, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और टिंटस इज लिंक टू ग्रे मैटर। आप जितना मूवमेंट करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना टिंटस के लिए अच्छा है। सो यू नो लाइक बोलना आसान है, लाइक मैं बोला ना कि सुबह मैं चलो शाम में सुबह 6 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है, सन बात करते हैं, बोलना आसान है। सुबह 6 बजेगा आप अलार्म बंद करेंगे, फिर जाके सो जाएंगे, थोड़ा मोबाइल चलाएंगे, थोड़ा यूट्यूब देखेंगे, थोड़ा इंस्टाग्राम देखेंगे। सो बोलना आसान है, करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो लाइक दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, यू नो लाइक जहाँ तक मैं लोगों को समझ पा रहा हूँ, जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं पर्सनली,
कि ये जितने भी त्रिनिटस की जो इंडस्ट्री है, पूरा इंडस्ट्री हमें बना हुआ है, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से पड़े हुए हैं कि ये खा लो वो खा लो, यू नो, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है कि जिस त्रिनिटस को ठीक कर सकता है, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट। त्रिनिटस का लाखों कारण हो सकता है, मेडिकेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, PCOD हो गया, गट इशू हो गया, हार्मोनल चेंज हो गया, यू नो, लाइक वन लेडी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सी इज़ फ्रॉम USA, उसने मुझे वो मुझसे कॉन्टैक्ट की थी, आई थिंक 2 वीक पहले, उनको कुछ गट इशू था और वो समझ नहीं पा रही थी कि उनका गट इशू क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं उनको बोला मैम आप अपना गट इशू ठीक करिए, आपका टिनिटस ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। सो सबके लिए डिफरेंट है टिनिटस, ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस, पर आपको रूट कॉज समझना होगा खुद। सो डेट इज़ वाई मैं बोलता हूँ कि आप एक यू नो लाइक किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाएं जिनको सही में जानकारी टिनिटस के बारे में। ये सिर्फ तो यहाँ जितने भी मार्केट में लाइक मुझे खुद धमकी मिलता है कि आप वीडियो मत बनाएं, ठीक है, तो आप समझिए कि प्रोडक्ट बेचना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जितने भी टिनिटस इंडस्ट्री है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाइए, ठीक है, वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना, ना कि रूट कॉज को टैप करना। और मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका कि आप अपना लाइफ स्टाइल और डाइट चेंज करें, ठीक है। तो आई होप यू नो लाइक सब मेरी मैंने सारे आई मस्ट सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं आज। और या ये अब बात मैं एग्री करता हूँ कि टिनिटस बहुत ही एक इंटरनल और यू नो लाइक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सो यू नीड मॉडिफिकेशन। आपको खुद से सोचना होगा कि क्या कारण हो सकता है। यू नो लाइक कल एक लड़के ने मुझे मैं कॉल किया था, उसको था मेडिकेशन से लाइक एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिन और एंटी डिप्रेशन, इसके वजह से भी होता है, बिकॉज दैट ऑल्सो डिप्लेट योर इलेक्ट्रॉन्स इन योर बॉडी। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्राउंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।